महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के बाद एकनाथ शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के 2 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी अभी तक महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। विधायकों की सदस्यता को लेकर शिंदे सरकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। अब अपनी सरकार को मजबूती देने के लिए एकनाथ शिंदे MBA को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की कांग्रेस नेता अशोक चौहान के साथ हुई गुप्त बैठक के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस के नाराज 10 विधायक जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। वहीं अक्टूबर में होने जा रहे शिंदे कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को मंत्री पद मिलने की भी अटकलें हैं। इनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। फडणवीस और चौहान के बीच हुई बैठक से इन चर्चाओं को मजबूती मिली है। हालांकि बैठक के बाद अशोक चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं है। आपको बता दें कि जून में हुए विधान परिषद के चुनावों में कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि जुलाई में फ्लोर टेस्ट के दौरान 10 विधायक विधानसभा से गायब थे। अब इन्हीं विधायकों के शिंदे गुट में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मौजूदा समय में महाराष्ट्र में कांग्रेस के कुल 44 विधायक हैं। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व CM पृथ्वीराज चौहान भी पार्टी हाईकमान के खिलाफ बागी रुख अपनाए हुए हैं। ऐसी अटकलें हैं कि पृथ्वीराज भी जल्द ही पार्टी से किनारा कर सकते हैं। वे कांग्रेस के G23 के सदस्य रहे हैं और पिछले दिनों ही उन्होंने दिल्ली में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात भी की थी। महाराष्ट्र की सियासत में सितंबर का महीना काफी उठापटक लेकर आने वाला है, क्योंकि शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई संवैधानिक बेंच में होनी है। वहीं चुनाव आयोग से शिवसेना के सिंबल पर भी फैसला आना है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी 4-5 सितंबर को महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात मनसे प्रमुख राज ठाकरे से होनी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान BMC चुनाव के लिए राज ठाकरे और भाजपा के बीच गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। भाजपा नेता और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि शिंदे मंत्रिमंडल में 23 और मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। ज्ञात हो कि सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 15% विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से राज्य में कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में शिंदे कैबिनेट में CM और डिप्टी CM समेत कुल 20 मंत्री हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 जून को पहली बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 20 विधायक बागी होकर सूरत और फिर गुवाहाटी चले गए थे। धीरे धीरे विधायकों की संख्या बढ़कर 39 तक पहुंच गई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।